ग्रामर का शब्द रूप याद किया सबने? ग्रामर उस रूप में पढ़ा रही थी, नहीं याद किया होगा? रक्षाबंधन से इसलिए बाहर गए थे। चलो बुक बुक ओपन योर बुक चैप्टर नंबर 15 सुदुर्लभा सर्व मनोरमा वाणी। इससे क्या समझ में आ रहा है? सुदुर्लभा, दुर्लभ, दुर्लभ का मतलब जो हम लोग आसानी से नहीं प्राप्त कर सकते हैं, आसानी से नहीं समझ सकते, वो हमारे लिए दुर्लभ है। कोई भी चीज को प्राप्त करना, लभ मतलब लभ धातु का मतलब होता है प्राप्त करना। किसी भी चीज को पाने की इच्छा है और वो हम नहीं पा रहे हैं तो वो हमारे लिए सुदुर्लभ है। किसी से मिलना चाह रहे हैं, किसी को देखना चाह रहे हैं, वो नहीं दिख रहा है, नहीं मिल रहा है, तो उसका दर्शन हमारे लिए दुर्लभ है। भगवान का दर्शन दुर्लभ है। अगर किसी अच्छे यूनिवर्सिटी में एडमिशन कराना चाह रहे हैं, नहीं मिल रहा है, तो वहाँ नामांकन प्राप्त करना दुर्लभ है, यानी कठिन है, एकदम ना के बराबर। और सर्व मनोरमा, मनोरम मतलब बहुत ही अच्छा, बहुत ही मनोकूल, मन को अच्छा लगने वाला। मनोरमा मतलब बहुत अच्छी चीज, सर्व मनोरमा सभी को अच्छी लगने वाली वाणी। वाणी का मतलब शब्द जो हम बोलते हैं, बोली हमारी, क्या मतलब निकल के आया? सभी को अच्छी लगने वाली वाणी सुदुर्लभ है। ऐसी वाणी जो हम सबको प्रिय लगे वो, जो सबको प्रिय लगे ऐसी वाणी जो है बहुत ही दुर्लभ है, वो आसानी से प्राप्त नहीं होती है। पवन क्या हो रहा है, ध्यान दो क्लास में, स्टैंड अप। पवन सर्व दुर्लभा वाणी का क्या मतलब है? मतलब जो चाहिए वो मिलता नहीं। क्या चाहिए? मतलब जैसे वाणी, यहाँ ध्यान दो, वो तो मत करो। सर जो सभी को अच्छी लगे ऐसी वाणी जो दुर्लभ है, बोली। क्या नाम है उस बच्चे का? आ यहाँ दीपक। ऐसे क्लास में बिहेव अच्छा रखो। इससे तात्पर्य क्या है? मतलब तो समझ गए कि सभी को अच्छी लगने वाली वाणी जो है आसानी से नहीं मिलती है, दुर्लभ है। मतलब किसी का स्वभाव, एक व्यक्ति का स्वभाव सभी को पसंद आए ऐसा जरूरी नहीं है, संभव नहीं होता है। कोई अच्छी बोली बोलने वाला व्यक्ति मिल जाए जो सबके साथ अच्छा से व्यवहार कर रहा है, सबके साथ मीठा बोल रहा है, ऐसा नहीं होता है। उसको कभी गुस्सा आता है, कभी आपके साथ अच्छा बोल रहा है तो आपके साथ वो गुस्सा से बात करेगा, इस तरह देखा जाता है। चलो लेट्स स्टार्ट। बुक नहीं है, बोलो तुम अपना बुक में निकालो। 60 नंबर ठीक है, ध्यान दो। जो नहीं, जिसके पास नहीं है वो चुपचाप ध्यान देगा इधर। लोके यद वस्तु, यद वस्तु है वर्ड, यद वस्तु, वहां संधि विच्छेद आएगा, यद वस्तु वर्ड है, यद वस्तु।
अच्छी लगती है, रोचते। तदन्यस्मै वह अन्यों को बाकियों को न रोचते, नहीं अच्छी लगती है। इत्यतः विचित्र रुचिरयं संसारः, ऐसा विचित्र में यह रुचि वाली संसार है। ये संसार जो है, एक व्यक्ति को जो चीज अच्छी लगती है वो दूसरे को नहीं अच्छी लगती है। अभी किसी को शांत रहना पसंद है, किसी को बकबक करना पसंद है, किसी को लाल रंग पसंद है, किसी को व्हाइट पसंद है कि नहीं मैं मुझे एकदम सादा पसंद है, किसी को तीखा बहुत अच्छा लगता है खाने में, किसी को मीठा बहुत पसंद होता है ना, तीखा जैसे हाँ किसी को खट्टा पसंद आता है। सबकी रुचि अलग अलग है, ये इसमें बताया जा रहा है। और व्यक्ति देखने में भी एक जैसा नहीं होता है, कोई पतला होता है, कोई मोटा होता है, कोई छोटा होता है हाइट में, कोई लंबा होता है। तो ये विचित्र रुचि रयम संसार, ये संसार जो है ये विचित्र रुचि वाली है। विचित्र सब व्यक्तियों की रुचि अलग अलग होती है। एकस्मिन् परिवारे, एकस्मिन् परिवारे, एक ही परिवार में बातें नहीं, एकदम चुपचाप सुनो, ध्यान दो। एकस्मिन् परिवारे, एक ही परिवार में जातानां समानाचार विचारानां, समान आचार विचार, यहाँ पे बहुत बड़ा वर्ड है, इसमें से निकलेगा वर्ड समानाचार विचारानां। तो समान आचार और विचारों में, बड़ा वर्ड दो वर्ड आ गया, समान आचार विचारानां जनानाम अपि भिन्ना भिन्ना रुचि भवति। एक ही परिवार में, एक ही परिवार में आप लोग खुद भी देखते हो कि आपके परिवार में अगर चार भाई बहन हो तो चारों की रुचि अलग अलग होगी। कोई मम्मी को सब तंग करते हैं, कोई बोलते हैं कि मुझे खट्टा खाना है, मुझे तो आज पनीर चिल्ली खानी है, कोई बोलता नहीं रोटी सब्जी खानी है, किसी को सैंडविच खानी है, तो सबकी रुचि अलग अलग हो जाती है। मुझे फ्रॉक लेना है, मुझे तो गाउन लेनी है, तो सबकी रुचि ऐसे अलग अलग होती है, पहनावे में, खाने में, हर चीज में। तो एक ही यहाँ बोल रहा है, एकस्मिन् परिवारे, एक ही परिवार में जातानां समान आचार विचारानां जनानाम अपि, सभी व्यक्तियों के आचार विचार में भी भिन्ना भिन्ना रुचि भवति, अलग अलग रुचि होती है। किं पुनः विभिन्नेषु परिवारेषु, मतलब क्या फिर जब अलग अलग परिवार के बारे में क्या कहना, जब एक ही परिवार में एक ही तरह से आप पाले पोसे गए हो, सभी भाई बहन, मम्मी पापा जो एक जैसे सभी बच्चों को प्यार करते हैं, एक जैसे ही खिलाते पिलाते हैं रखते हैं, उनमें भी रुचियां अलग होती है, तो अलग परिवार पड़ोसियों का क्या करना, पड़ोसी तो अलग भले बने, उनकी रुचि अलग है, तो फिर हम क्या कर सकते हैं। तो उत्पन्ना नाम जना नाम वार्ता, दूसरे कुल में दूसरे घर में उत्पन्न हुए व्यक्ति के बारे में हम क्या बात करें। समान पितृकेषु पुत्रेषु कश्चित् मधुरं रोचयते, वही जो मैंने बताया, समान पितृकेषु मतलब एक ही पिता के घर में रहते हुए, पुत्रेषु सभी पुत्रों में बच्चों में, कश्चित् मधुरं रोचते किसी को मीठा अच्छा लगता है, कश्चित् लवणं कश्चित् चामलं रसमिति किसी को खट्टा अच्छा लगता है, किसी को तीखा अच्छा लगता है। एवं ही कश्चित् काव्यं रसयति, किसी तरह किसी को काव्य पढ़ना अच्छा लगता है, कविता पढ़ना अच्छा लगता है, कश्चित् नाट्यम किसी को नाटक पढ़ना अच्छा लगता है, कश्चित् शिल्पम कश्चित् च गणितम किसी को शिल्प अच्छा लगता है और किसी को गणित में रुचि होती है। तो सभी की अलग अलग सब्जेक्ट में भी रुचि होती है, आप देखते ही हो कोई अलग अलग सब भाई रहते हैं तो सभी एक ही पोस्ट पे नहीं जाते हैं, सब अलग अलग जाते हैं, तो सभी रुचि अलग अलग होती है, कोई गणित में आगे बढ़ रहा है, कोई हिस्ट्री में आगे बढ़ रहा है, कैसे सबकी रुचि हर क्षेत्र में अलग अलग होती है। एवमेव कस्मैश्चित् श्रृंगार प्रियो भवति, कस्मैश्चित् वीरः, कस्मैश्चित् कर्णः, कस्मैश्चित् हास्यरसः, इसी तरह किसी को श्रृंगार प्रिय होता है, किसी को वीर, किसी को करुण और किसी को हास्यरस। यहाँ रस की बात की गई है, ये रस क्या है, वीर करुण, वीर करुण श्रृंगार ये सब क्या है, हम जैसा रस, व्हाट इज रस, नए प्रकार के रस होते हैं ना, हाँ नौ प्रकार के रस होते हैं ना,
प्रकार के रस होते हैं इसमें और ये बाद में दो और जुड़ गए हैं। हाँ, तो ये कौन कौन है नौ प्रकार के रस पता है? पता नहीं पर पढ़ा तो भूल गए। हाँ, तो ये जानना जरूरी है। नौ रस होते हैं साहित्य में और बाद में दो जुड़ गए तो 11 हो गए। ये कौन कौन से रस है? हास्य रस, करुण रस, वीर रस, विभत्स रस, श्रृंगार रस। हाँ, श्रृंगार रस, वेरी गुड। और हास्य
है वो भी हाँ बोरिंग रस। ये शांत रस, इसमें शांति मिलती है, जिसको पढ़ने से शांति मिलती है। शिक्षा वाली बातें कुछ होता है ना, जिसको पढ़ो तो शांत भजन है, कोई कहानी है, कोई कथा है, तो भक्ति रस। नोट कर लिए, ये आएगा जो भी मैं यहाँ से लिखती हूँ या बताती हूँ वो बहुत इम्पोर्टेंट चीज बताती हूँ, तो ध्यान देना बहुत जरूरी है, इसलिए मैं क्लास में शांत रहने के लिए बार बार बोलती हूँ। मुझे भी बनाना अच्छा लगता है, तो अक्सर तुम लोग सीखो, ये मैं चाहती हूँ तो शांत रहो। और इम्पोर्टेंट चीज मैं भी सिखाती हूँ, जो आगे भी थे उन्हें भी काम आएगा। बहुत सारी बातें नहीं सीख पाए हो शब्द उपदास, तो वो मेन मेन चीज सीखना जरूरी है, इसलिए संस्कृत आसान हो जाएगा। चलो आगे बढ़े। हाँ बेटा लिखना है, एवमेव कस्मै चित् श्रृंगार प्रियो भवति, मतलब किसी को श्रृंगार प्रिय है, किसी को वीर प्रिय है, किसी को करुण और किसी को हास्य रस प्रिय होता है। विरलाय कस्मै चित्, विरलाय मतलब विरल ही, एक्सेप्शनल में बोलते हैं ना कि एक्सेप्शनल है या अपवाद में है, तो ऐसे लोगों को ही, किसी किसी को ही, बहुत कम को जनाए विभत्स रसो अपि रोचते। विभत्स रस जो मैंने कहा बोरिंग होता है, विरल ही किसी को विभत्स रस अच्छी लगती है। इति नानात्म रुचिनाम व्यवस्थितम भवति, इस तरह बहुत सारे अलग अलग रुचियों के लोग इस संसार में रहते हैं। क्लियर, इतना ये पैराग्राफ क्लियर हुआ? अभी पढ़ाऊंगी तो सब बोल देंगे। मीनिंग, चलो नेक्स्ट स्टार्ट पढ़ो। हे विचित्र रुचि है,
रुचि विच्छेद पूछ रही हूँ। जैसे विचित्र रुचि रयम है तो र जहाँ पे है विसर्ग का र हो जाता है, तो विचित्र रुचि प्लस अयम, ये संसार जो है अयम से हो गया। बैठो बैठो सीटा अयम सीटा अयम से हो गया। ये संसार विचित्र रुचि वाले हैं। विचित्र रुचि में विसर्ग डालना विचित्र रुचि प्लस अयम, तो विचित्र रुचि रयम संसार। विचित्र रुचि रयम ये वर्ड है, इसको कैसे निकालेंगे, विच्छेद कैसे करेंगे? विचित्र रुचि प्लस आयम। मैं बार बार बोलती हूँ कि संधि विच्छेद में मीनिंग फुल वर्ड निकलते हैं। अब यहाँ पे विचित्र रू लिख दोगे, विचित्र लिख दोगे तो ये गलत हो जाएगा। विचित्र रुचि एक वर्ड हुआ कि विभिन्न प्रकार के आदत वाले पसंद वाले, आयम मतलब ये नहीं। बैठो लोके यज्ञस्तु एकस्मै रोचते, लोक में इस संसार में लोके में कौन सी विभक्ति है? कौन सी विभक्ति कौन सा वचन है? विभक्ति और कौन सा वचन है? परिवारे यहाँ आया
बातें हो रही है। परिवारे, यहाँ कौन सी विभक्ति कौन सा वचन है? और मीनिंग क्या हुआ? परिवार में ओनली बोलना है, परिवार में जैसे ये है वैसे ही परिवार है ना, तो परिवार में। जाता नाम समाज विचारा नाम जना नाम अभी, जाता नाम मतलब लोगों के समान विचार वाले लोगों में भी भिन्न भिन्न रुचि होती है, भिन्ना भिन्ना रुचि भवती मतलब विभिन्न रुचि होती है। एक ही लोक में, एक ही संसार में, एक ही परिवार में रहने वाले एक ही रुचि वाले, एक ही विचार वाले लोगों की रुचि भिन्न भिन्न होती है। किम पुनः विभिन्नेषु परिवारेषु उत्पन्ना नाम जनानाम वार्ता, दो दूसरे परिवार में उत्पन्न व्यक्तियों के बारे में क्या कहना? समान पितृकेषु पुत्रेषु, एक ही पिता के बच्चों में किसी को मीठा अच्छा लगता है, किसी को तीखा अच्छा लगता है और किसी को खट्टा अच्छा लगता है। एवं ही कश्चित काव्यम रसयति, इसी तरह किसी को कविता पढ़ने में रुचि है, किसी को नाटक पढ़ने में रुचि है और किसी को कहानी पढ़ने में रुचि है। एवं किसी को शिल्पम कश्चित च गणितम, और किसी को शिल्प में रुचि है सिलाई कढ़ाई में, किसी को गणित में रुचि है। एवमेव कस्मैश्चित् श्रृङ्गारः प्रियो भवति, इसी तरह रसों में किसी को श्रृंगार रस का पुस्तक पढ़ना पसंद है, किसी को वीर रस का देशभक्ति वाले लोग होते हैं, किसी को हंसी मजाक ज़्यादा पसंद है, तो इस तरह सभी की रुचियों के बारे में बताया गया है। विरलाय कस्मैश्चित् जनाय विभत्स रसो अपि रोचते, ये पूछेगा कि कौन सा रस है जो बहुत कम लोगों को पसंद है, विरलाय ही रोचते, तो विभत्स रस, ये नाम याद रखना है विभत्स रस। इति नानात्म रुचि नाम व्यवस्थितम भवति। नेक्स्ट पैराग्राफ, एवं सति एका एव वाणी सर्वस्य मानसं संतोषयितुं न अर्हति। एवं सति मतलब इसी प्रकार, एक ही वाणी सभी मनुष्यों को सर्वस्य मानसं संतोषयितुं न अर्हति, सभी मानव को संतोष नहीं देते हैं। इसी तरह एक ही वाणी एवं सति, इसी प्रकार एका एव वाणी, एक ही वाणी सर्वस्य सभी को मानसं संतोषयितुं न अर्हति, सभी के मन को संतोष प्रदान नहीं करते हैं। यह खलु आर्षेण संस्कारेण संस्कृतो भवति, ये निश्चय ही, खलु का मतलब निश्चय ही होता है, डेफिनेटली होता है। तो उधर क्यों घूमें? उसको मैं देखूंगी, तुम इधर आके कंप्लेन करोगे, नहीं करो वैसे। Thank you.